सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर का, जगमोहन जी का, जिनको मैं 4 साल पहले मिला और मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई उनके साथ कि मैं बिजनेस तो लास्ट 28-30 ईयर से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता नहीं चल पा रहा कि मेरे फंड्स का प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। नंबर टू, मेरे को अगर अपना बिजनेस और बढ़ाना है तो उसके लिए मैं कैपिटल कहाँ से लेके आऊँ। और नंबर 3, जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरी ओडी लिमिट थी कि मैं बिजनेस को देखते हुए जितने इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मैं ओडी लिमिट के रूप में बैंकर से लिया करता था, और उसमें मुझे ये पता नहीं चल पा रहा था कि मैं बैंक को कितना पे कर रहा हूँ। FC21 को करने के बाद सबसे पहले जब मेरे को पता चला कि मैंने देखा कि मैं बैंक को अप्रॉक्सीमेटली 1.2 CR का ओडी लिमिट के एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ, उनको मैं दे रहा हूँ जो कि मैं बचा सकता हूँ, तो ये सबसे बड़ा पता चला लीकेज कि मैं अपना फंड किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। नंबर 2, बिजनेस मेरा बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रही है और प्रॉफिट कहाँ जा रहा है ये नहीं पता चल रहा था। आज मेरे को मंथली प्रॉफिट मेरा पता चल जाता है कि मैं कितना किस क्लाइंट वाइज कर रहा हूँ। इतनी डिटेल में सर ने हमें करवा दिया है कि हम एक एक क्लाइंट का चेक कर सकते हैं कि मैं उसके ऊपर कितना मैन पावर लगाया हुआ है और वो मेरे कितना शेयर दे रहा है पूरे बिजनेस के। तो ये चीज़ें पहले हमारे को बिल्कुल पता नहीं थी, अब ये सब चीज़ें हमारे को ऑनलाइन समझ में आनी शुरू हो गई हैं, और गूगल ड्राइव पर और क्लाउड पे सर ने इसको करवा दिया है, तो अब तो हमारे जितने भी ब्रांचेज हैं वहाँ के लोग भी देख सकते हैं एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, या यहाँ पे HO में हम देखना चाहते हैं तो वहाँ भी हम देख लेंगे मंथली। सो ये बिगेस्ट अचीवमेंट है ऑनलाइन आने की हमारे इस FC21 के कारण ही आए हैं जी। राइट सुबिवल सर, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम यू वाज डीलिंग बिफोर जॉइनिंग FC21? एक कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो आपको लग रहा हो कि यस ऐसी थी जी? FC21 करने से पहले हमारे जो बैंक रिकंसिलेशंस थे वो अप्रॉक्सीमेटली 10-15 डेज तक के नहीं होते थे। अब एकदम से हम इसको डेली बेसिस के ऊपर जाने से पहले शाम को ये क्लोज करके जाते हैं। हमारे को ये एजिंग तक का पता चल जाता है कि हमको किससे कितना पैसा लेना है, डे बाई हमारे को निकल के आ जाता है। और सर ने एक सॉफ्टवेयर भी जो हमारे को बीच में 2 ईयर्स पहले इंटीग्रेट कराया टैली के साथ, वो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा काम कर रहा है कि मेरे जो CA हैं अंशु वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं और मेरे को रिपोर्ट देते सर इतने डेज हो गए, 10 डेज का ओवर हो गया, क्लाइंट से बात करें आप या हमारी टीम बात करती है और वो हमारे को रिकवरी होना शुरू हो जाती है। तो ये बेनिफिट हमारे को FC21 के बाद मिलने शुरू हो गए। Okay. Sir, how FC21 is able to solve your any one or more problem? FC21 जो मेरी मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया है, मैं अपने जो एक्सपेंसेस हैं ओडी के रूप में अगर जा रहे हैं स्पेशली, उनको किस तरीके से कंट्रोल करूं और ओडी लिमिट मैं उतने ही दिन के लिए यूज करूं जितने मेरे को चाहिए, अदरवाइज मेरे पास ओडी का पैसा पड़ा रहे जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट नहीं दूं, मैं अपनी रिकवरी को इतना टाइट कर दूं कि मेरे पास वो बैंक को ओडी लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो अब मेरी जो रिकवरी फास्ट हो गई है उससे मेरी ओडी मैं कह सकता हूँ कि 40% मेरे को बेनिफिट होना शुरू हो गया, जो कि मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है, रिकवरी बहुत स्ट्रांग हो गई। सर, डू यू रियली थिंक कि मोर एंड मोर बिजनेस ओनर शुड डू दिस प्रोग्राम एंड व्हाई? डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपने 5 साल या 10 साल बिजनेस किया है वो इस प्रोग्राम को जरूर करें। इससे हमारे को पूरे प्रोग्राम का अपने हाथ में एक पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है जो सर ने 4 टूल इस बिजनेस में दिए हैं, हम ईयर एंड होने से पहले अप्रैल के अंदर ही बैठ के बना लेते हैं कि हमने पूरे 12 महीने में मैनिफेस्टेशन की कि मेरे से लास्ट ईयर मैंने 120 CR का बिजनेस किया, इस बार मेरे को कम से कम नहीं तो 180 का मैंने टारगेट लिया है, तो 180 को मैं अपने 12 मंथ्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। उसमें न्यू बिजनेस के अंदर 20% डाल देते हैं, बाकी 80% ऑर्गेनिक ग्रोथ और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके साथ। अब जो
मेरे को नीचे का रहेगा जो मेरा नया बिजनेस लेके आना है, वो मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो 180 अपने आप बहुत आराम से पहुंच जाएगा। लास्ट ईयर मैं देख रहा हूँ कि हमने जो मैनिफेस्टेशन किया था अप्रॉक्सीमेटली 92 CR की थी और हमने इसको क्लोज किया है 107 CR के ऊपर, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और वो भी कोविड के पीरियड के अंदर, और वो भी जो मैन पावर आउटसोर्स बिजनेस है इसके अंदर काफ़ी डिप आया है, क्योंकि जितने भी ऑफिस वगैरह चल रहे थे एक या दो साल पहले, उन्होंने अपने मैन पावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन किया, प्लस जितनी फैक्ट्री चल रही थी उन्होंने तो अपना 60% मैन पावर बंद कर दिया था, एटलीस्ट मैं कहूँ तो 8 to 10 मंथ्स तक नहीं वो लोग मैन पावर ले रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड रीजन। सो ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमने आपके सिस्टम से जो प्लान किया और वो अचीव किया और उससे ज़्यादा अचीव किया, हेड्स अप टू सर जिन्होंने इतना साइंटिफिकली इस प्रोग्राम को बनाया है, और ये पूरी साइंस है। जब आप इसके अंदर आ जाते हैं और जो 4 टूल के हिसाब से आप अपने आप को करते हैं, और आप उस 4 में से जब आपने प्रेडिक्ट किया कि मेरी इतनी सैलरी, एक आपका हार्ट खुद बताएगा कि ये मैं अचीव कर सकता हूँ और ये अचीव होगी, तो अगर आप उसको लेके बैठ जाते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग भी शुरू हो जाती है कि मेरे को नए बिजनेस के लिए वीकली जाना है, मंथली जाना है, किस क्लाइंट को मिलना है, कौन से मार्केट के अंदर मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जिसको मैं टच कर सकता हूँ, बिजनेस ला सकता हूँ। तो इसमें मैं बिजनेस डेवलपमेंट भी देखूँ तो इसको करते करते वो साइंस समझ में आ जाती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को और कितने एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट जो हर जो भी इसको ज्वाइन करेगा उसके अंदर अपने आप एक इसके अंदर आ जाएगा कि यस मेरे को अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप मिल गया, मैं कहूँगा रोड मैप। तो ये बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। राइट जी।